दोस्तों अब हम इस वीडियो में आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन के थ्रू जो डेड वेट लॉस क्रिएट होता है वो कितना होता है। तो बच्चों एक कंसेप्ट होता है एफिशिएंसी का, पहले आप एक बार वो समझ लीजिए ताकि आपको डेड वेट लॉस समझना बहुत ही आसान हो जाए। तो देखिए एक होता है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है मैं बहुत आसानी से आपको समझा देता हूं। जैसे ये ऑलरेडी हमने समझा हुआ है, बार बार हमने समझा हुआ है, मैं इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जैसे ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है जिसको क्या आप मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी कह सकते हो। तो ये दिखाता है कि व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, यानी कि ये दिखाता है कि क्या कंज्यूमर विलिंग टू पे है, यानी कितना पैसा वो देने को तैयार है। और ये मान लीजिए प्राइस है और इतनी क्वांटिटी वो बाय कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो है ये कंज्यूमर सरप्लस है। बच्चों हमने ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये समझाया हुआ है, आप चाहो तो वहां देख लो, एक बार परफेक्ट कंपटीशन में भी है और एक बार यूटिलिटी कर्व में भी है। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है वो एरिया जितना पैसा वो देने को तैयार है और एक्चुअल में जितना वो दे रहा है, इसको बोलते कंज्यूमर सरप्लस। क्योंकि मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे को आपको समझाना है टैक्सेशन और डेड वेट लॉस। इसी तरीके से मान लीजिए प्रोड्यूसर सरप्लस होती है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस में मान लीजिए ये सप्लाई कर्व है और ये प्राइस है, तो ये हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा ये कहलाता है प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस मेजर इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ सेलर, यानी कि सेलर को कितना फायदा हो रहा है। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसर रिसीव ओवर एंड अवर व्हाट ही विलिंग टू सेल, यानी कि जितना पैसा वो मिनिमम बेचने को तैयार है, ये एक तरीके से उसकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। ठीक है, यानी कि ये उसकी कॉस्ट है और ये उसको प्राइस रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक तरीके का एक्स्ट्रा पैसा है जो प्रोड्यूसर को मिल रहा है। मार्केट में एफिशिएंसी तब रिसीव होती है जब कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो सम है वो मैक्सिमम हो। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से अचीवमेंट होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी है डिमांड, ये हमारी है सप्लाई और ये वाला है हमारा प्राइस। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया ये कंज्यूमर सरप्लस है और ये वाला जो एरिया है ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, और इस केस में इतना प्रोडक्शन हो रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप मेरी बात समझ में आ गई होगी, यानी कि इस केस में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आप बच्चों को टैक्सेशन की वजह से डेड वेट लॉस जो क्रिएट होता है, यानी कि जिसको हिंदी में हम महाभार की हानि कहते हैं, उसको समझाने का प्रयास अब हम आपको करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूं। सपोज कीजिए कि ये हमारा, बिल्कुल सिंपल तरीके समझाएंगे बच्चों, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। ये हमारा मान लीजिए डिमांड है और ये हमारा सप्लाई है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, इसको हम प्राइस बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ई, यहां पे हमारी क्वांटिटी हो गई। इसमें मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं है। यहां पे हम इसको ए बोल देते हैं, ये बी बोल देते हैं और ये ई हमारा हो गया है। इसमें कुछ नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हमने चलिए 6 नंबर यहां पे डाल दिए। तो अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, और यहां पे हम बात कर रहे हैं टोटल, यहां पे हम बोल रहे हैं बिफोर टैक्स, यहां बोल रहे हैं आफ्टर टैक्स, और यहां पे हम पता कर रहे हैं नेट चेंज कितना हुआ, नेट चेंज।
अब मान लीजिए कि टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, टैक्स जो होता है वो डिमांड और सप्लाई के बीच का डिफरेंस है, यानी कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया वो ये वाला लगाया, ये टैक्स अमाउंट है, ये टैक्स अमाउंट है, यानी कि ये वाला जो है प्राइस, इसको मैं एच बोल देता हूं। अब जो कंज्यूमर पे करेगा, पहले वो ओपी पे कर रहा था, अब ये कंज्यूमर पे करेगा, यानी कि कंज्यूमर ये वाला हिस्सा पे करेगा। यहां मैं लिख देता हूं बच्चों, कंज्यूमर पे, कंज्यूमर कितना पे करेगा, पहले कितना कर रहा था ओपी, अब करेगा OH, और ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं लिख देता हूं यू, प्रोड्यूसर रिसीव, यानी कि कंज्यूमर पे कर रहेगा ओपी OH, और प्रोड्यूसर को मिलेगा OU, और जो HU है ये सारा का सारा हिस्सा गवर्नमेंट ले लेगी। इसको हम नाम और दे देते हैं, इसको X और Y के नाम से दे देते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा, आप जो चाहे दे दो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस बिफोर टैक्स की, यानी कि जब टैक्स नहीं था तो कंज्यूमर को हिस्सा मिल रहा था 1, 2 और 3, ये हिस्सा कंज्यूमर के पास था, ये भी हिस्सा कंज्यूमर के पास था, ये भी हिस्सा कंज्यूमर के पास था, और प्रोड्यूसर के पास था एरिया 4, एरिया 5 और एरिया 6। ठीक है, इस केस में जो टोटल रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू कितना था, वो था 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अच्छा, हमने ना गवर्नमेंट का एरिया नहीं डाला, हम इसमें एक काम करते हैं, गवर्नमेंट का भी एरिया डाल लेते हैं। तो अब यहां पे तो कैसे आएगा, चलिए मैं यहां पे ना एक काम और करता हूं, यहां लिख देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, गवर्नमेंट सरप्लस। तो इस केस में तो गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का सरप्लस मिला नहीं, इसलिए हमने जीरो लिख दिया है। आफ्टर टैक्स कंज्यूमर को केवल एरिया 1 मिलेगा और कोई हिस्सा कंज्यूमर के पास नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जबकि प्रोड्यूसर को केवल एरिया 5 मिलेगा और कोई भी हिस्सा प्रोड्यूसर के पास नहीं जाएगा। जबकि गवर्नमेंट के पास जो हिस्सा जाएगा वो हिस्सा 2 और हिस्सा 4 जाएगा, यानी कि एरिया 2 और एरिया 4 जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। टोटल जो बनेगा वो मिलेगा 1, 2, 4 और 5, यही हिस्सा गवर्नमेंट टोटल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो नेट चेंज हुआ है वो 2 का फायदा हुआ है और 4 का फायदा हुआ है, इसको 2 का नुकसान हुआ है और 3 का नुकसान हुआ है, इसको 4 का नुकसान हुआ है और 6 का नुकसान हुआ है। लेकिन आप देखोगे तो इसको 2 का फायदा हुआ है और इसका 2 का नुकसान हुआ है, तो इसलिए ये तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नेट चेंज में ये नहीं आएगा। इसी तरीके से इसको 4 का नुकसान हुआ है, इसको 4 का फायदा हुआ, ये भी कट जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली देखोगे तो आपको एरिया 3 का लॉस हो रहा है, एरिया 6 का लॉस हो रहा है, यानी कि ये एरिया जो है, मैं इसको किसी और कलर से कर देता हूं, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी कि ओवरऑल आपको ये वाला हिस्सा कहलाएगा डेड वेट लॉस। यानी कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि पहले जो एरिया हमें मिल रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब हमें केवल मिलेगा 1, 2, 4, 5, तो एरिया 3 और एरिया 6 लॉस हो गया। इसी को बोलते हैं डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सेशन, यानी कि अगर सरकार टैक्स लगाती है तो जो वेलफेयर है सोसाइटी का उसमें कमी देखने को मिलेगी। क्यों कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंज्यूमर को जो मिलेगा वो मिलेगा, कंज्यूमर को जो पे करना पड़ेगा वो पहले से ज्यादा पे करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को जो मिलेगा वो उससे कम मिलेगा, और कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा, लेकिन ओवरऑल जो वेलफेयर है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट, यानी कि इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सेशन। तो बच्चों टैक्सेशन में डेड वेट लॉस की मात्रा कितनी होगी ये कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके बारे में बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे।